दोस्तों, आप सभी ने स्कूलों में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा, या फिर इनकी तरह पीछे घोड़े बेचकर सोते थे। गजब बेइज्जती है। बटरफ्लाई साइकिल, जिसमें बटरफ्लाई अंडे देती है, वो एक कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा, देन वो एक पूर्ण रूप से बटरफ्लाई बनता है। इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पर आज हम लाइफ साइकिल ऑफ सैमन फिश के बारे में जानेंगे। सैमन मछली एनाड्रोमस वर्ग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये मीठे पानी के धारा में जन्म लेती है, थोड़े से बड़े होने के बाद समुद्र में रहने चली जाती है, लेकिन प्रजनन के लिए नदियों के मीठे पानी में आकर अंडे वहीं देती है जहां पर एक समय इनका जन्म स्थान हुआ करता था। दोस्तों, सैमन मछली की लाइफ साइकिल उनके अंडे से निकलते हुए होती है। शुरुआत में ये बहुत छोटी होती है और इसके साथ एक योक लगा हुआ होता है। दोस्तों, यह योक चिकन के योक के समान होता है, जिसे हम ब्रेकफास्ट में बड़े चाव से खाते हैं। यह योक जरूरी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, जो इसे ग्रो और सरवाइव करने में मदद करता है। सैल्मन मछली के इस स्टेज को एल्विन कहते हैं। एल्विन से लेकर अडल्ट होने तक 10% ही सैल्मन जिंदा रह पाती है। इसके बीच कई शिकारी जैसे दूसरी मछलियाँ और पक्षियों के द्वारा इसे अपना भोजन बना लिया जाता है। अगर पानी किसी कारण थोड़ी भी गर्म हो जाती है तो ये आसानी से मर जाती है। इसे अच्छी तरह ग्रो करने के लिए कोल्ड क्लियर ऑक्सीजन रिच वाटर की ज़रूरत होती है। एल्विन स्टेज के बाद अब यह एक फ्राई बन चुकी है। अब यह एक शिकारी है, जो कब किसी शिकारी जीव का शिकार बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी कारण शिकारी जीवों से बचने के लिए कंकड़ पत्थर के दरारों के बीच में छिपने का सहारा लेती है ये। कुछ और बड़ी होने पर यह अपनी लाइफ साइकिल की अगली स्टेज में पहुंचती है, जिसे पार कहा जाता है। इस स्टेज में इसकी धारियां विकसित हो चुकी है, जो इसे आसपास के परिवेश में घुल मिल जाने में मदद करती है, जिससे ये शिकारी जीवों से काफ़ी हद तक बची रहती है। इस अवस्था में ये मीठे जल धारा वाले नदी में ही रहती है, शिकार कर भोजन करती है और विकसित होती है। लगभग 6 महीने से 3 साल तक मीठे जल धारा में रहने के बाद ये स्मॉल्ट बन चुका है। ये स्टेज सैमन मछली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस स्टेज से ही ये नदियों से समुद्र की ओर माइग्रेट कर रही होती है। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि मीठे पानी की मछली समुद्र के खारे पानी में सर्वाइव कैसे कर पाती है। इसका जवाब है ऑस्मोरेगुलेशन। इस क्रिया द्वारा ये अपने शरीर में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। समुद्र में आने के बाद ये तेजी से ग्रो हो सकती है और ज़्यादा शिकार कर सकती है, क्योंकि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। लॉट्स ऑफ सी क्रिएचर, यहाँ पर ये श्रिम्प, एंचोवीज, बेबी क्रैब्स इत्यादि जैसे समुद्री जीवों को खा सकते हैं। अब जान लेते हैं इन्हें किन किन जीवों द्वारा खाए जाने का खतरा है। सील, डॉल्फिन, व्हेल जैसे बड़े समुद्री जीव इनका शिकार करते हैं। 1 साल तक समुद्र में रहने के बाद ये अपने लाइफ साइकिल के अगले चरण अडल्ट स्टेज में पहुंच जाती है। इस स्टेज में इसके रंग में बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें इसका रंग लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। इसका वजन 1 kg से 4 kg तक हो जाता है और ये सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाती है। प्रजनन और अंडे देने के लिए ये वापस नदियों के मीठे जलधाराओं में जाने लगती है। लगभग 1400 किलोमीटर बहाव के विपरीत तैरकर एग्जैक्टली अपने जन्म स्थान पर वापस जाकर अंडे देती है। सैल्मन्स अपना मार्गदर्शन कैसे कर लेती है एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर हाँ, इनमें इनके स्ट्रॉन्ग स्मेल मेमोरी बैंक को
रीज़न बताया जाता है। स्मेल मेमोरी बैंक, फ्राई से पार स्टेज के दौरान अपने आसपास के परिवेश और स्मेल को अपने मेमोरी बैंक में स्टोर कर लेती है, जिस कारण ये आसानी से अपना मार्गदर्शन कर पाती है। इस प्रोसेस में सैमन मछली का वनों के विकास में काफ़ी अहम योगदान रहता है, क्योंकि मरने के बाद यह सड़कर खाद बन जाती है और भालू जैसे जीव इन्हें नदियों से दूर ले जाकर खाते हैं और बचे हुए टुकड़े को ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है और पेड़ पौधे का विकास अच्छे से होने लगता है। इतने लंबे यात्रा के दौरान इनके शरीर में बदलाव देखने को मिलती है, जिनमें इनका कूबड़ निकल जाता है, कैनन दांत आ जाती है और काइप का विकास हो जाता है। अब ये अपने लाइफ साइकिल के आखिरी स्टेज यानी कि स्पान स्टेज पर है। स्पान स्टेज में ये प्रजनन कर अंडे देती है और अपने लाइफ साइकिल को बरकरार रखती है। आई होप ये वीडियो आपके जनरल नॉलेज को बूस्ट करेगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना।